देसी टाक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी देसी टॉक में। नमस्कार। बात की शुरुआत करथन कि आपके जिन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? मोर प्रारंभिक शिक्षा चौबे कॉलोनी स्कूल है, हाँ, तिहल होदी से, और उकर बाद कालीबाड़ी स्कूल में मैं हैं 11th क्लास बायोलॉजी लेके पास करें। हाँ, आप छात्र राजनीति से आगू आए तो कैसे प्रेरित हो छात्र राजनीति में आए बर? हमार मन के कई ठन रायपुर शहर में इसे कॉलेज रही से जिहाँ आदमी जावे तेम वो लोग वहाँ पानी पीती तब अपने अपन वहाँ राजनीति शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज और दुर्गा कॉलेज उस समय फेमस रहा, फेमस रहे। हाँ, वहाँ पढ़े बर कम जाए आदमी, यहाँ नेतागिरी करे बर ज़्यादा जाए। तो हम पढ़े लिखे रहें, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहें, लेकिन वहाँ पानी पिए तो नेता शुरू हो गए। हाँ, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज और दुर्गा कॉलेज चूँकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कॉलेज रहते थे, और वहाँ राजनीतिक सोच और एक अच्छा वातावरण रहे जो छात्र हित में बात करें। वो समय इसी से कि फीस कहूँ बढ़ जाती तो कारण बताल पड़ा है, काबर बढ़ा है। हाँ, और उखर जेनुइन कारण रहती तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो लोग यूनिवर्सिटी विड्रा करती, और नहीं तो परसेंटेज आज जिसे थे नहीं 200% बढ़ा देते, कौन बोलने वाला नहीं है। वो समय इसे नहीं रहते इसे। हाँ, वो समय वो प्रॉपर वो लोग जवाब देना पड़ती। हम अपन स्टूडेंट यूनियन के तरफ से, इवन संदीप भाई मैं आप लोग बताना चाहूँ एक उदाहरण कि वो समय टेलर रेट बढ़ा दे रही से फुल पेंट और कमीज की सिलाई के दुगुना कर दे रही से। तो हम आंदोलन करते रहे कलेक्टर तिर जाके कि भाई फुल पेंट कमीज की सिलाई इसे कैसे 100% बढ़ जाए। हाँ, तो विड्रा करना पड़े। अच्छा। और ये बात है इस सामने में कि नहीं भाई ये टेलर लात का खर्चा थे। हाँ, तो कर 20% ऊपर ले लेगा, 200% चली। तो वो वैसे भी आंदोलन कर रहे हम छात्र हित में। अच्छा। तो खर फायदा सब लोग नाम छात्र हित कर रहते से। हाँ, लेकिन आम आदमी के जो तकलीफ रहते रही से ओखर लिए वो प्लेटफॉर्म रही से। एक कोनो ऐसा शिक्षक जिन स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपला बढ़िया अच्छा सुंदर दिशा दिखाए हो कि नहीं आपला ये दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आपला प्रेरणा दे हो, ऐसा कोनो शिक्षक? हाँ, हमारे यहाँ कालीबाड़ी स्कूल में एक हाँ, यादव सर रही से, फूल सिंह यादव सर। अच्छा। वो हमर सर ऐसे सर रही से कि जो हमर मन भर प्रेरणादायी रही से और पीटे घलो अड़बड़ो। अच्छा। हाँ, एक गांव के बात है संदीप भाई, हमन हम उस समय अमिताभ बच्चन की पिक्चर के भारी क्रेज रहा है। हाँ। तो हमारे दोस्त मन बता दिन कि पहला दिन पहला शो देखबे तो उकर जलवा अलग रही थे। अच्छा। तो हमन इंकलाब पिक्चर चल दे रहे। तो सर आके देखी क्लास में स्ट्रेंथ किसे कम है। हाँ, एक दू जन जो नहीं गेरी ने सिनेमा जेल हम नहीं ले गए रहे। हाँ, दिन सर ल चुपचाप बता दीज। अच्छा। और रात टाकिज में इंकलाब पिक्चर लग रहा है, सर आग आई से और लाइट ल जलवा दीज। तो सब वो स्कूल ड्रेस में रहे। हाँ, फट फट पकड़ा गए। इतना सोटाई हुई तहाँ ले सर है कही कि अपने माता पिता इनके माँ पिताजी को यहीं बुलाओ कही। तो सर हद पीटिस पीटिस वो वहाँ के रात टाकिज की मैनेजर घलो पीट दी से मन में। कि तुम लोग कैसे घुसे अपन गेट की पर घल नौकरी निकाल दी सिस्टर। अच्छा। तो होके हाँ, कि स्कूल के लेके मन लग कैसे घुसन देस। तो फिर तहाँ ले हम सर ल माफी उफी मांगे इनके सर कि तो फिर वो हमन ल फिर स्कूल में ला के समझे कि तुम्हारे माता पिता कितना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, और तुमन कहो इसने सिनेमा देख जाओ सर करते कह जाओ तो करहू का। हाँ। तो ऐसे सर के वो रहा है, लेकिन वो सर के कई थी मजेदार घटना घलो रहा है संदीप भाई। वो पहली आग पीटे हुआ तय है, चाहे होमवर्क करेरा चाहे झन करेरा। हाँ। पहली वो मारती सुहा। हाँ। तो मतलब इसे प्यार वाला मार रहा है इसे। हाँ। कोई इंटेंशनली कभी नहीं मार रहे। हाँ। तो ओकर से एक अनुशासन भी रहे कि एक पीरियड खत्म होए बाद जिसे दूसरा पीरियड शुरू होए। हाँ। तो हम उनके अमूमन दूसरे पीरियड में आदत रहा है जिसने पीरियड खत्म होती तीसरे बाहर निकल जाते हैं। हाँ, कावर पानी पिए बहाना। हाँ। अब 7-8 मिनट बाद आने। हाँ। तो जब दूसरा सर आ जाते इस पूछे जिस कहाँ गए थे, सर प्यास लग रही थी। तो दूसरा बहाना रहा है। हाँ। लेकिन चुपचाप वही मेरे बाजू में कैंटीन से यहाँ दूठी समोसा दबा के आ जाते रहे। हाँ। तो फिर बाद में वो पकड़ा गया नहू में। हाँ। लेकिन यादव सर हम उनसे हमेशा प्रमोट करे कि स्कूल में
कि आप अनुशासन में रहो। आप जिन्हें ऐतिहासिक ब्राह्मण पारा से आत हो, आप बीच में ओखर नाम बदले के भी विलोपित हुए के भी चलत रही से, लेकिन आप उनके सबके प्रयास से वापस ऐतिहासिक जिन ब्राह्मण पारा है तेन वार्ड जिन्हें सुरक्षित रही, लेकिन वही ब्राह्मण पारा है जहाँ से आप राजनीति शुरू करो, बहुत सारा सुनहरा याद आपके जुड़े हुए है, ओखर बारे में आप हमला बताओ। ब्राह्मण पारा तो पूरा देश में फेमस है, काबर की वहाँ के संस्कृति, संस्कार, एजुकेशन, शिक्षा और सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन और बड़े छोटे के लिहाज। आज भी अगर कहीं एकाध दो राज्य में अगर मिलते या राज्य के कोई जगह मिलते कि जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जगह में जाओ तो पालगी की थे। वो शुरुआत हमन अपन यहाँ से पालगी के, पालगी भैया, पालगी मौसिया, तो ये है जो पालगी वाला जो शब्द है वो में अनुशासन बड़े छोटे के लिहाज। आज भी पुराना जो बुजुर्ग मन रहे तेन अपन लेकल के साथ साथ दूसर के लेकल घलो के अधिकार पूर्वक पीट देते हैं। ठीक है, 9 बजे तक कैसे घूमत हस। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी ब्राह्मण पारा के वजूद एक स्थिति है कि 55 से ज़्यादा तो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अच्छा। हाँ, और महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप मतलब कम सुने मिले हुई। संदीप भैया हमारी हम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गलो हमार चाची। अरे वाह। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज वहाँ आज भी तिहार के जो अपन मनाए के वो है दिवाली है, दशहरा है, तो मोहल्ला में ब्राह्मण पारा के अपन बड़ा अस्तित्व है और बड़ा वजूद है। कई जन रेलवे स्टेशन में दूसर धार के लेकर मनावे न, तो वो टिकट लेबर लाइन लगे रहे तो वह दूसरा नंबर में खड़े हो जाए। तो कोनो आदमी की हम इतने पहले से खड़े हैं जानते नहीं मैं ब्राह्मण पारा का हूँ। टिकट लग लो इतना मतलब माहौल दबदबा रही। दबदबा आजाद चौक की भी एक अपन महिमा है, मतलब जैसे आदमी चौक जैसे कहीं भी जाजबे में तरह हो गए, कवर्धा हो गए, वहाँ के जिन चौक रही थे बड़ा महत्वपूर्ण थे, उसने आजाद चौक के भी बड़ा महत्व रहे। हाँ, बलिराम आजाद जी ऋषि चाचा जी ओखर नाम से वो चौक पड़े से। अच्छा। बलिराम आजाद के नाम से। और वही बलिराम आजाद जी और रामदयाल तिवारी जी आपले याद हो, तो ये रायपुर शहर में गोल बाजार, आमापारा बाजार, रामदयाल तिवारी स्कूल, हाँ, पिछुम थाना, ये सब जमीन नोमन दान में दे रही। अच्छा। हाँ, हिंदू स्पोर्टिंग के आप जानते हो महत्व, तो हिंदू स्पोर्टिंग के जब मैच हुआ उस समय तो वो मैदान पर और मैच कराए पर वहाँ के ब्राह्मण पारा का आदमी मन अपन पत्नी के पुतली तकला गिरवी रख के या बेच के मैच कराए। ठीक कहा तो आप, सही कह मतलब खेले बार के बड़े बड़े उस समय नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर फुटबॉल के मनावे, केवल कि हमार लड़का देखे फुटबॉल ला और इसने फुटबॉल के चैंपियन बनाए। खेल में भी बड़ा अभिरुचि रहे आपके बड़ा शुरू से, कौन कौन सा खेल आप खेलो, कौन कौन सा खेल आप अच्छा लगते? हम ना तो वहाँ पर मोहल्ला में जन कंकाली अस्पताल पुराने गिल्ली डंडा वहाँ शुरू है। अच्छा। ओ डंडा पचरंगा उसे सीजनल खेल चले 12 महीना होती तो समझे, फुटबॉल घलो चले और भौरा माटी ये सब रेम हमन खेलन बहुत। अच्छा। और रेम बूदा वाला। अच्छा। हाँ ठीक कहा तो। मैदान में हाँ। वो बड़ा वो टाइम बंधे रहा है, 4 से 5 खेला खेलना है, दाल खो खो खेलना है। फिल्म के तरफ चलता है, जैसे आप अमिताभ बच्चन की पिक्चर के आप इंकलाब देखे लग, आप ओकर बहू जिन्हें आपके फेवरेट है सूर्य राय, तो जिसे एक बार बहुत पहले आपसे मैं प्रश्न कर रहे तो आप बताए कि मैं पूछे भी रहे आपसे कि यदि आप हीरो बनते तो हीरोइन काला बनाते तो आप ऐश्वर्या राय बोले रहे हो, तो कहाँ आप ऐश्वर्या राय आपका पसंद है? ऐश्वर्या राय के अदाकारा ओकर जो पिक्चर में जो उन गंभीरता से वो रोल अदा करते पिक्चर देखे के मतलब आदमी ये थे कि वो जाके थोड़ा सा आत्मसात करे, रियलिटी में रहे। सलमान खान की भी एक तारीफ में थे कि वो पिक्चर में वल्गरिटी नहीं रहा है, सलमान खान के कोई भी पिक्चर में
पिक्चर ऐसे बनना चाहिए जेला पूरा परिवार जाके साथ में देख देख सके, एक दूसरा मत देखे सिनेमा के बीच में। हाँ ठीक है, यार फोकट लाल प्रेम का और बेटी नीला नडीस का। पुराना हीरोइन में कौन अच्छा लगा था आपको? पुराना हीरोइन में मैं है ये रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी। हाँ नहीं, अमिताभ बच्चन से काबर जोड़ी बनावेगा? रेखा का पर सेपरेट महत्व से जोड़ी में फिर तो करे हर जल्दी वाली बात हो गई। ठीक बोला तो आप। फैन के जहाँ तक बात रही से रेखा के बड़ा फैन फॉलोइंग बहुत है। हमन मैं तो रेखा के जबरदस्त फैन नहीं, कूलर रहे हूँ। अच्छा हाँ। इस समय कैसे निकालते हो आप जाए पर पिक्चर? नहीं वो का है, समय निकाले पड़ते, घर है परिवार है सबकी जिम्मेदारी है। पिक्चर तो देख बेच करता हूँ मैं। अच्छा, और कारण ये कि दिन रात खाली हुई चुहल कतेक कर बेगा, पब्लिक है तो आवेज करी, ओकर काम तो करना छे। हो अब घर के घर में थोड़ा बहुत काम करना छे। भाई जिम्मेदारी तो सब के ना, बिहाव हो है तो घर वाली घलो जिम्मेदारी है, लड़का है तो लड़का की जिम्मेदारी कैसे नहीं उठावे, तो सब जिम्मेदारी के निर्वहन करना आवश्यक है। जैसे घर में पहले ऐसे हो जैसे कोनो लड़का राजनीति में जावत है तो घर वाले मन वाला कोनो काम बताए में बहुत डरावे कि ये भुला जी ही या लावेच नहीं करी, तो ऐसे कभी हुई से आपके साथ जब आप राजनीति में आए वो टाइम युवा अवस्था में कि अल मत बता रहे भैया भुला जी है तिले उती चल दी गई? हाँ वैसे तो दोनों चीज़ होते रही है, मतलब वो स्वाभाविक तौर पर एक मन में बात आ जाती है ये नेतागिरी कर रहे थे भुलावेच करी। अच्छा वैसे सोच सोच के आदमी भुला जाते मैं नेता तो भुलाना जरूरी है, इसे कंपलसरी है टाइप के। हाँ। लेकिन हमारे एक जो बड़े भैया रहा है तेन है अक्का बड़ कागज में पहली लिख के दे रहा है ये तो काम करना है दिन भर में। अच्छा, तो ओकर कागज है दिमाग में घूमे। हाँ। ये अक्का काम करके जाना चाहिए के। अच्छा, लेकिन कारण हो जाते रहे। लेकिन घर में सबसे छोटे हुए के नाते कम जिम्मेदारी के मूल निर्वहन करना पड़ा। हाँ। और प्यार भी खूब मिली। बिहाव कौन सा साल में हुई साहब के? 1996 में। कहाँ? बेमेतरा। बेमेतरा में, बहू बेमेतरा के रहने वाला हूँ और आपके जिन ससुराल है बेमेतरा के कुछ अच्छा स्मृति भी मोर जेहन में है वो बिहाव के, तो ये बताओ आपकी गर्व महसूस होते कि नहीं होते मोर ससुराल बेमेतरा है? कैसे गर्व नहीं हुई भैया, वो मन तो मस्टाहा तिवारी कहात लागे। अच्छा, मतलब मस्टाहा तिवारी मतलब अलग अलग हरे अमेरिकन जिसे अमेरिकन है। हाँ। तो प्रभाव ही अलग है, स्विट्जरलैंड जाना है उसने बेमेतरा हो गए, बेमेतरा है ऊपर से मस्टाहा तिवारी है तो फिर तो गर्व तो होना चाहिए। कभू ऐसे हुई कि कोनो ऐसन बात जेन मैं देखे जो भी जब भी आप चुनाव लड़े हो तो बहन जी पूरा साथ दी आपके हर कदम में आपके साथ रही से, जहाँ आप नहीं पहुँच पाते रहे हो वो वहाँ पहुँचत रही से, तो आप ओखर बारे में क्या कहना चाहो? कोई भी पुरुष शादी से पहली या शादी के बाद ये दोनों लाइफ थे, तो जब तय भंवर घूमे हैं साथ और वो समय पंडित ल सातो वचन की जब बात हो है हम ही कबूले हैं ना ये सातो वचन निभावो और भूलना कबर चाहिए आदमी ला। भाई जब वो आगे है मतलब हमारे एक शरीर के अंग है और जितना आदमी ला अपन चिंता नहीं रहा है वो पत्नी ओकर से दुगुना चिंता करता है। ठीक कह रहे हो आप। तो ये है कि घर में एक वातावरण रहना चाहिए और घर में अगर आप के पत्नी बहुत खुश है तो घर पूरा खुश रहे, घर में लक्ष्मी के वास होते, सरस्वती के वास हो ही, आप नोट करके रख लो। ठीक है संदीप भाई, जोन घर में अगर कहीं महिला संतुष्ट नहीं है तो वो घर संतुष्ट नहीं हो सके, वो घर में फिर लक्ष्मी की भी वास नहीं हो, फिर माँ सरस्वती की भी वास नहीं हो। माँ के बनाए जिन खाना रही थे जिन हमेशा जीवन पर्यंत हमार साथ चलते, कोनो ऐसन व्यंजन जिन माँ के बनाए आप लोग बड़ा अच्छा लगा था? हमारे माँ तो उसे सब चीज भारी मस्त बनाए, जिमी कांदा खास कर। अच्छा, वो इड़हर। अच्छा, इड़हर कढ़ी और सूखा में बेसन। अच्छा, बरसात के दिन। बरसात के दिन वो टाइम सब्जी जो आना कई बार दिक्कत हो ना। हाँ नहीं, बेसन ये बरसात में कंपलसरी रहा है। हाँ। हर हफ्ते में दो बेर तीन बेर।
राजनीतिक जीवन में आप जिन्हें अपन प्रेरणा काला मानत हो जिला देख के छत्तीसगढ़ के राजनीति में जिला देख के आप राजनीति में आए? मैं यहाँ सबसे पहली जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, हाँ, तो उस समय हमारा नया नया 21 साल से 18 साल के उम्र में वोट दे के वो मतदान वाला राजीव गांधी जी कर रहे थे। हाँ। तो जब हम राजीव गांधी जी के व्यक्तित्व तो देखें कि वो एक सिंपल पायलट, मतलब इतना बड़ा के घर के लेकर, हाँ, और अपन मस्त पैसेंजर वाला अपन विमान चलाए हुआ और बिल्कुल पायलट बन के, तो हमरो मन की इच्छा रहे कि पायलट बनते, ओखर बाद जो करना होती इस करते ना, हम पायलट बन के राजनीति करते ना, इसे सोचो। अच्छा। ओखर व्यक्तित्व के कारण मैं तो अपन राजनीतिज्ञ उमा ओला देख के शुरू करे, लेकिन हाँ राजीव जी ला, हाँ, और विवेकानंद जी के प्रति हम उनका बड़ा सद्भावना रहा था। विवेकानंद जी खूब पढ़ा मन, और जब स्कूल मन में डिबेट कॉम्पिटिशन हुए तो रुचिर गर्ग ले जाना था, वो तो हमारे स्कूल में रिश्व तो पक्ष विपक्ष इसे बने थे, इसे तो रुचिर है विपक्ष में रहा, हमन पक्ष में रहा। अच्छा। हाँ, इसे बड़ा हमन नेशनल लेवल तक के डिबेट में गए। अच्छा। हाँ, वो अर्चना थानवी इसे अभी वो शताब्दी पांडे को, हाँ, हाँ, वो समय का नाम अर्चना थानवी जी से। अच्छा। हाँ, ठीक है। बिहार बाद नाम बदल गए। बहुत अच्छा वक्त है। हाँ, वो ये मन हमन सब वाद विवाद प्रतियोगिता में नेशनल लेवल तक जाना। अच्छा। उसमें चलाई सदन की राय में। नहीं, बहुत बढ़िया। आप पार्षद रहे हो, आप दो दो बार पार्षद रहे हो, ओखर बाद आप महापौर बर चुने गए हो, तो लेकिन लोगन के जिन प्यार है आपके प्रति, चाहे आप पार्षद रहे हो चाहे महापौर रहे हो, वो बदलीस नहीं, वो इसने आप लोग फोन लगाते, वो इसने आप लोग काम बताते, ओकर बारे में आप हम लोग बताओ। हमर मोहल्ला के तासीर के लोग, चाहे आप ओमन वही संस्कार संस्कृति कह रहे हो, हमन लोग पद आए के बाद घमंड या गुमान नहीं हुए। पद तो आज जात रहे थे, लेकिन काम करे के जब अवसर मिले है, हाँ, तो उमा जम के काम करना चाहिए। और मोला सबसे अच्छा काम लगते कि चैलेंजेबल काम होना चाहिए। जिसे मोले पूछे महापौर बने के बाद, तो अचानक एक इसने आपे सन एक जन दोस्त मोर की दिस कि देश का सबसे ऊंचा झंडा रायपुर में रहना चाहिए यार। मो बका के शुरू में इसे किसे हुई तो कहीं नहीं तय कर सका था। तो बाहन परम ब्राह्मण परम जो रही थे तिहिल आदमी है समझते कि कर ली। बड़े जनिक काम जो रही थे नहीं, हाँ, पहाड़ में चघल की वे हिमालय में चघल की वे तो आने मोहल्लक मल नहीं कहा है। वो बाहन पारा के पहली की काबुर की तेईस में आके वो कुछ भी कर। तो आपके सामने है देश के सबसे ऊंचा झंडा 82 मीटर के झंडा लगा। ओकर बाद हम अपन रायपुर शहर में देखन तो तालाब और मंदिर के शहर रिसे प्रसिद्ध रिसुखरे नाम से। हाँ, 236 तालाब रिसे। और जब मैं महापौर बने तो गिनती गिनवाती 169 ठन बाँचे रिसे। बड़ा दुख है इसकी तालाब लेक ढहर हम माँ घलो की थन और हत्या घलो कर थन करे कैसे ये हुई। फिर वहाँ काम करना शुरू करे। सबसे पहली दिन पट गिरी से तेली बांधा तालाब तेला बनाया। दहल कटोरा तालाब आप मन देखे हो, बड़ा खूबसूरत हो गया तालाब। हाँ। लोगन बढ़िया यहाँ घूमते हैं टहलते हैं परिवार के साथ बैठे रहते हैं। पुराना पुराना जो बंधुआ तालाब रही से जेकर उनके अस्तित्व समाप्त, मोर घर तिर कारी तालाब मामा पर बाजार जाए वाला रोड, हाँ, हाँ, वो तो पूरा कब्जा कर ले वापस अब तालाब बन गए। साइकिल वाले भी आप अभियान छेड़े हो। हाँ। वो बहुत अच्छा उकर भी प्रभाव पड़ी। हाँ, कई घाव संदीप भैया पेपर में मेन हेडिंग रहे कि 10 प्रदूषित शहरों में रायपुर शहर का नाम, तो ऐसे लगे कि हमारे यहाँ कैसे हुई, काला धब्बा सन लगे माथा में। तो फिर वही फिर याद आ गए हमन अपन कि नहीं साइकिल चलाना है, कम से कम कुछ तो प्रेरणा हुई। आज आप मतला अच्छा लगी सुनत हुए कि रायपुर शहर में 55,000 से ज़्यादा साइकिल बिके हैं। अरे वाह, बिके है, चलात हुई चलात हुई चलावे करी मोला। अब मोला सबसे ज़्यादा फायदा हुई खबर के मोल लेकर 10वीं में पास हुई ना, तो एक्टिवा नहीं मंगीस हुआ, साइकिल मंगीस। वाह, जान रही जब हम हमारे पापा साइकिल में घूमा थे तो मोला कहाँ लेक्टिवा दी। ठीक है ना, आज अपन ट्यूशन उशन साइकिल में जाते।
बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज। ओला देख के तहन ओकर दोस्त बन जाते, दोस्त बन भी साइकिल में जेबो। एक अच्छा अभियान रहे वह, हाँ, और ये लोगों ने जिन्हें जागरूक भी होते हैं, बहुत अच्छा बात है। और अब 10 प्रदूषित शहर में रायपुर शहर का नाम हट गया, मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं आप लोग बताता हूँ कि 7,750 जन ऐसे शहर में, उसमें स्टेट बैंक के कर्मचारी घलो हैं, उसमें विश्वविद्यालय के, नगर निगम के, बहुत सारे सरकारी विभाग के, और हमारे वो विजय झा जी है जन कर्मचारी नेता, ये मन है 3 तारीख के साइकिल में जाते हैं आप। अच्छा। नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। अच्छा। 3 तारीख के उमन अपन गाड़ी नहीं निकाला बाहर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पहल यार। गाना बड़ा सब बड़ा फेमस हुए है, गाड़ी वाले आए घर से कचरा निकाल, वो गाना कैसे, मतलब बहुत अच्छा गाना है वहाँ। वो है हमार मठ पुराने स्कूल के लेकर मन गा है। अच्छा। सरकारी स्कूल के। अच्छा। बड़ जन से मैं पूछा फेसबुक में कि कैसे करना चाहिए, तो मन सलाह दे मैं बोला, तो अब बड़ा कन गाना उना मनवा रहे हूँ, तो ये लड़की लड़की मन है आके एक बेर सुने हो, दो बेर सुने हो, 3 बेर सुने हो, तो बड़ा अच्छा वो लगी बोला। तो हाँ, एक ठिकाना मन बनवाए ना, मन लहरें उठी हैं, बातें चली हैं। दूसरा प्रश्न मोर ये है कि चश्मा लेके अक्सर आपके बात होते, एक तो रजनीकांत के चश्मा, दूसरा आपके चश्मा, चश्मा के बड़ा शौकीन हो आप। चश्मा के शौकीन तो हम हैं और खोजत रहते हूँ रकम रकम के चश्मा है, और शुरू से कॉलेज के समय से चश्मा के। अच्छा। क्रेजरी से तो कॉलेज में घलो जान, हम तो चश्मा लगा के जात, और फिर प्रेसिडेंट रहें तो ओकर चश्मा तो वो जान दे, फिर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट डबल चश्मा, वो डबल चश्मा, दोस्त यार मन घलो जाना है तो दूसर दूसर जगह ले चश्मा पसंद करते कि गिफ्ट में घलो बहुत चश्मा है। अच्छा। तो चश्मा के नाम घर में गाड़ी घलो और बड़ा खाम है। अच्छा। हाँ, 22 ठन 25 ठन 40 ठन चश्मा रहा है, अपन चश्मा ठीक से नहीं रखा साले की भैया गाड़ी दे, और लाइन से इसे रखे रहा है चश्मा। नहीं कावर के आप चश्मा में अच्छा भी दिखता, और आपके जिन चश्मा है लोगन ला पसंद भी आते, ये बढ़िया बात है। गाना भी आप बहुत अच्छा गाते, कोनो कोई प्रिय गाना जिन आप आज हमारे दर्शक ला सुनाना चाहो। कॉलेज में जो उन गाना गाते उमा, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। बहुत अच्छा, और बड़ा मजा इस आपसे बात करके, और बड़ा आनंद आई। कावर की जिन आप फेमस हो जे खरबर, वो है आपके देसी अंदाज, आप देसी टॉक में आज आ रहे हो आप, और बहुत सारा सुगर सुगर बात करे के आपसे मौका मिलिस, तो देसी टॉक के पूरा टीम की ओर से मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देवा था आप लोग, बहुत बहुत आभार है।